नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मिर्जापुर में मिर्जापुर आजमगढ़ भ्रमण के दौरान प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद का बुढ़नपुर चौक पर जोरदार स्वागत किया गया। भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में नहीं पहुंच पाए, जबकि जयप्रकाश निषाद के घर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे। विधानसभा भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि संजय निषाद का अतरौलिया में आने का कार्यक्रम था, जहां से जयप्रकाश निषाद के घर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे। प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में पार्टी भाजपा गठबंधन का साथी है, निकाय चुनाव में पूरी मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर रमेश सिंह रामू, धर्मेंद्र निषाद, दिनेश मध्य, नीरज सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्या कुछ का पूर्व प्रत्याशी विधानसभा अतरौलिया प्रशांत कुमार सिंह ने सुनिए। आज ये निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री जी आ रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, क्या है उद्देश्य? नहीं, उद्देश्य तो हमारा शुरू से ही बहुत क्लियर है कि हमको अपनी पार्टी का विस्तार करना है और विस्तार पहले से ही है। और आज का तो सिर्फ एक पारिवारिक मुद्दा भी है, हमारे यहाँ हमारे मंत्री जी के जो PSO हैं उनके पिताजी का देहांत हुआ है, तो जरा मंत्री जी को उनके यहाँ जाना है एक संवेदना व्यक्त करने के लिए। वहाँ से आने के बाद वो वापस अभी अतरौलिया डाक बंगले पे आएंगे और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे मिलके उनका जो भी समस्या होगी उसका निवारण करने के लिए हम आगे कार्य करेंगे। क्या निषाद पार्टी निकाय चुनाव में भी इतनी पार्टी खड़ेगी कि भाजपा के साथ फिर से गठबंधन? देखिए, भाजपा के साथ तो हमारा सर्वसमय गठबंधन है, अब वो गठबंधन ही रहेगा। हम भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ ही रहेंगे और निकाय चुनाव भी हम भाजपा के साथ ही लड़ेंगे।